अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई, इतनी बड़ी पेशरफ्त के इससे मुल्क की सियासत में फिर रिपल्स क्रिएट हो गए। एक पेशरफ्त से, आज की डेवलपमेंट से मज़ीद क्या क्या पेशरफ्त होगी, मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी। हर घंटे, हर लम्हे, हर दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ पाकिस्तान में इस हवाले से होता रहेगा। आज वीडियो में नज़र आने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बाकायदा तौर पर हटा दिया गया। गो के सुबह सुबह अरशद मलिक ने अपना एफिडेविट भी जमा करवाया, जिसमें उन्होंने उस वीडियो में उसके बाद सामने आने वाले तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया था। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अपना ख़त लिखा, ख़त गया और उसके बाद लॉ मिनिस्टर खुद आया और उन्होंने कहा कि हमने जज साहब को सरेंडर कर दिया है, वापस भेज दिया है। मियां शहबाज शरीफ फौरन बोले कि वो जवाब ही ख़त्म हो गया जिस जवाब के तहत मियां नवाज शरीफ जेल में थे। और मरियम नवाज़ तो कह रही हैं कि जज को फारिग नहीं करना, जज का दिया हुआ फ़ैसला हमने फारिग करना है। बुनियादी सवाल भी बेसिकली आज मुल्क में यही है, बुनियादी सवाल ये है कि जज कंट्रोवर्शियल थे, जज वीडियो में नज़र आए, उस स्कैंडल की वजह से ही जज को हटा दिया गया। तो क्या वो फ़ैसला जो उस जज ने दिया या वो फ़ैसले जो उस जज ने दिए उनकी कानूनी हैसियत बरकरार रहती है या नहीं रहती, मियां नवाज शरीफ मजीद जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं इन्हीं सवालात के अराउंड आज का शो मैंने तरतीब दिया है। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ, मेरे साथ मौजूद शेख वकास अकरम साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अपनी एक राय रखते हैं और बेबाक दबंग राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपने वक्त दिया। राजा आमिर आबाद साहब मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़ी प्रिसाइजली लीगल चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आप तशरीफ़ ले आए। फरुख हबीब साहब रुकन कौमी असम्बली PTI पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं रेलवेज़ के, बहुत शुक्रिया फरुख हबीब साहब आपने वक्त दिया। और नाज़रीन मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है शहज़ा फातमा ख्वाजा साहिबा ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपने मिस हमारे लिए वक्त निकाला। शेख साहब क्या इम्प्लीकेशन देख रहे हैं, बिल्कुल सादा सवाल है मेरा। देखें इम्प्लीकेशन एक है कि मैं क्या देख रहा हूँ और दूसरा क्या पॉसिबल है और क्या ग्राउंड पर नज़र आता है। जैसे आपने अपने इंट्रो में वैसे ही ख़ुद उसका जिक्र कर दिया कि मैंने अब चार्जशीट तो इस वक्त नहीं देखी जो जज साहब के ऊपर उन्होंने वो बनाई है, मगर अगर उस चार्जशीट में यही है और इस बिना पर ही उनको फारिग किया गया है कि जनाब आपका जो मिसकंडक्ट है और अनबिकमिंग ऑफ अ जज, जिस तरीके से आप उन लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं और उस केस के हवाले से अगर आप घर जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है केस के पल्ले तो कुछ नहीं रह गया, यानी केस टूट गया। पर टेक्निकली तो ऐसा ही है, मगर ये पाकिस्तान है और मैं तो आजकल के हालात देख के ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ से बईद नहीं है। बहुत से स्कैंडल्स जो हैं वो आते हैं, पहले चार दिन आप मीडिया वाले जो है उसको खूब उठाते हैं और बड़ी बड़ी इम्प्लीकेशंस दिखाते हैं और उसके बाद अचानक ही जब आपको एक नई खबर मिल जाती है यकीनन तो एक और वीडियो स्कैंडल की बात कर रहे हैं फिर हाँ तो फिर आपका इशारा है एक और वीडियो स्कैंडल की तरफ। आपको याद रह जाता है कि पिछले स्कैंडल के पल्ले क्या था और आवाम भी बेचारी वो अपने वाशी मसाइल में इतनी घिरी हुई है कि उनके पास भी आप बेचारे वो एक स्कैंडल था दूसरा। तो मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट टेक्निकली मेरी नज़र में मेरे कन्फाइंड नॉलेज के मुताबिक अगर जज साहब उसी रोले की वजह से गए हैं तो फिर तो रोले थे पल्ले भी कुछ नहीं, रोला तो वही है जितने तक राय साहब। मरियम नवाज साहिबा ने रिएक्शन, वो कहती हैं मामला किसी जज को मुअत्तल किए जाने का नहीं, इस फैसले को मुअत्तल करने का है जो इस जज ने दिया, मामला किसी जज को फारिग करने का नहीं, उसके फैसले को फारिग करने का है। आपको क्या नज़र आता है, आपका तो अपना फील्ड है, आपसे तो हम गाइडेंस लेते हैं, ज़रा बताएं ना। देखिए इसके दो पहलू हैं प्राचा साहब, एक पहलू तो ये देखना है कि जज के फैसले को ख़त्म करना है। अब क्या इस फैसले को ख़त्म कराने में जज खुद भी इन्वॉल्व है या नहीं, क्या उसने एक प्री प्लान तरीके से ये तमाम चीज़ें की हैं और फैसिलिटेट किया है, यानी मुद्दई से मिला हुआ था, मुद्दई से बिल्कुल बज़ाहिर लग रहा है कि जज भी मिला हुआ था और अगर वो इस चीज़ का हिस्सा बना है अभी तो फिर इसकी अपील पड़ी। स्टेप बाई स्टेप आप ये कहना चाह रहे हैं कि
जज अरशद मलिक साहब शरीफ फैमिली से मिले हुए थे, बिल्कुल इस मिले हुए थे। अगर वो कहते हैं कि मैं रायविंड भी गया हूँ, अगर वो जब वो कहते हैं कि मैं जद्दा में हुसैन से भी मिला हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो इनके साथ हैंड्स इन ग्लव्स नहीं थे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पोर्शन की जजमेंट, वो कहते हैं कि फारिग करनी है। अब इनकी अपील पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अपील की जो स्टेज होती है उसको हम अपनी लीगल टर्म में कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल। अब वहाँ पे अदालत एक चीज़ देखेगी कि इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने क्या मुद्दा पेश किया था। तीन चीज़ें पूछी गई थी, उनसे पूछा गया था कि जनाब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पैसे कहाँ से। हम इस जज साहब की बात करें, मैं उसी जज ने फैसले की भी बात की ना, आप एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो उसमें फिर वो देखेगी अगर तो मियाँ साहब ने वाकई ही वो बैंक के तमाम रसीदें दे दी हैं, वो मनी ट्रेल दे दिया है और फिर भी जज ने सजा दी है, फिर तो अदालत कहेगी कि इसने किसी प्रेशर के तहत ये सजा दी। लेकिन अगर वो चीज़ें वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है मां सिवाय उस कतरी के खत के, तो फिर अदालत के पास ये अख्तियार है या तो उसको रिमांड कर दे। और देने वाला अगर कॉम्प्रोमाइज्ड था जी, फिर तो मेरिट पे तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले तो हम बात करेंगे जिसने फैसला दिया ही वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। आप एक साइड की कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, वो मुस्लिम लीग कहती है दूसरी साइड से कॉम्प्रोमाइज्ड की स्टेजेस हैं। आया जिस दिन फैसला दिया था कॉम्प्रोमाइज था, या उसके बाद उसको अप्रोच किया गया और उस बाद में उसने कहा कि चले मैं विकेट के इस तरफ भी आ जाता हूँ और मैं कुछ करता हूँ एक में। तो ये चीजें हैं कि अब ये होगा कि अगर ये रिमांड होता क्या होगा जी, अगर ये केस इस आज की डेवलपमेंट्स के तनाजुर में क्या, आज की डेवलपमेंट के तनाजुर में ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये चाह रहे थे कि अदालत में ये वीडियो ना जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इस वीडियो को और ये जज के बयान जितने भी हैं इनकी अपील के साथ अटैच कर दिया जाए। अब जब अपील होगी तो इनसे पूछा जाएगा कि आप ये वीडियो को साबित करें कि ये ओरिजिनल किधर है, ये कैसे बनी। मामले के बाद मियां साहब की जमानत हो सकती है या नहीं? देखिए जमानत की तो बात बहुत आगे की चली गई ना, इन सब के बाद पहले तो दो तीन केसेस और भी हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जुडिशियल सिर्फ इस केस की बात, आज मैं सिर्फ इधर ही केस की बात कर रहा हूँ, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीडियो लाई गई, तो इसमें जुडिशरी को आपने खाली एक केस की बात नहीं है रेडिक्यूल करने की कोशिश की है, आपने उसके खिलाफ बहुत सी चीज़ें लेके आए हैं। और आप वही मुद्दा 28 जुलाई वाला कि जनाब इन जजों के पीछे इन फैसलों के पीछे किसी और का हाथ है, उसके चले साहब जी पूछना चाहता आपसे एक ऐड कर दूँ कि क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहिबा ने की है इस पे साइबर क्राइम जो है वो लगता है? क्योंकि आप जब भी किसी इंस्टीट्यूशन या इवन इंडिविजुअल की सारे पार्टिसिपेंट्स दोज हु वर सिटिंग, दोज हु वर एंडोर्सिंग ऑल दैट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे वुड बी हेल्ड लायबल और उनके खिलाफ मुख्तलिफ कानून में ना सिर्फ साइबर। इवन इफ द जज वाज रॉन्ग इस पे, इस मामले पे आते, बिल्कुल इस वीडियो के इस मामले पे आते हैं फरख हबीब साहब। शुरू से जिस दिन से ये वीडियो आई, जिस वक्त ये वीडियो आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नमेंट का एक स्टैंड था, खुद वजीर आजम भी कहते रहे कि ये अदालत का मामला है, अदालत ही इसको सेटल करेगी। अब उस जज को फारिग कर दिया गया जो जज वीडियो में नज़र आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी की आज, ज़ाहिर इंटरेक्शन भी हुआ, फिर लॉ मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई कोई खौफ है, पीटीआई डरी हुई है कि केस कमज़ोर हो जाएगा, नवाज शरीफ बाहर आ जाएंगे, जमानत हो सकती है, केस जैसे कह रहे हैं कि फारिग हो गया, जज फारिग तो केस भी फारिग। नहीं नहीं देखें, बात यह है कि थोड़ा हर चीज़ का एक जो है वो तनाजर होता है, कॉन्टेक्स्ट उसको है। उसको जो है वो समझने की ज़रूरत है। केस का जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर राजा साहब ने भी बात की, बाकी चीज़ों पर भी बात हुई। जो असल बुनियादी चीज़ है जो एक सवाल पूछने वाला है कि हमेशा जो है वो PMLN का जजेस से रابطہ कैसे हो जाता है, जस्टिस रिटायर्ड क्यूम के साथ शहबाज शरीफ की टेलीफोन कॉल, हमेशा अपनी मर्ज़ी के जो है वो फैसले लेते रहे, अब भी जो है वो नासिर भट्ट, कौन नहीं जानता नासिर भट्ट को, कब नवाज शरीफ लंदन में जाएं तो वो उनके हमरा, इनके पास ऐसी कौन सी चाबी है जज क्यों नहीं, नहीं, नहीं सुन लें ना, सुन लें एक क्रिमिनल है, सुन लें ना, सुन लें जज क्यों मिल रहा, सुन लें सुन लें, ये तो सवाल देखें ना पूछा जाएगा। आज अदलिया ने एक्शन लिया है, मामला ये है कि मैं तो एक आपको इनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ये हमेशा बहुत अच्छे मैनेजर्स रहे हैं, अंपायर्स को साथ मिलाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, कभी ये जो है वो तो कभी मर्सिडीज़ें भेज देते हैं, क्वेटा बेंच का फैसला ब्रीफकेसों का आपको याद नहीं है कि उसमें भी ब्रीफकेस चले थे। मामला ये है कि ये हमेशा से इस किस्म के मामलात को करते हैं। अब रह गई दूसरी बात, हुकूमत का तो पहले रोज़ से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा, हमारा मौक़िफ़ ये है कि अदालत का मामला है, अदालत ने इसके ऊपर फैसला करना है। अब केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पास है,
अब उन्होंने जज साहब को फारिग किया, फारिग करने के बाद उन्होंने जो जज साहब का एफिडेविट है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया, वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। जाहिर बात है इसके तमाम तनाजुर में जाएंगे, इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेंगे, फिर फैसला करेंगे। असल जो बिल्ली थैले से अब बाहर आई है, जो समझ आती है, यानी अब शुरू हुआ है, गेम अब शुरू हुई है, खेल अब शुरू हुआ है। मसला ये है कि वीडियो को तैयार किया गया, प्लांट किया गया, मैनेज किया गया, सुन लें जरा, कि ताकि हम एक मुतालबा कर सकें कि केस को रिमांड करें, क्यों इनको NRO तो मिल नहीं रहा था ना, इनको मेडिकल NRO मिला। आज तक ये बता दें कि ये अपने केस को मेरिट पे लेके नहीं गए, क्योंकि मेरिट पे जो राजा साहब ने बात की, ना इनके पास मनी ट्रेल है, ना सोर्स ऑफ इनकम है, इनके पास सिर्फ एक झूठा कतरी था जिसको अदालत झूठा करार दे चुकी, ट्रस्ट डीड जो कैलबरी फाउंड की थी उसको अदालत झूठा करार दे सकी, दिखाने को साबित करने को कुछ नहीं है इनके पास कोर्ट ऑफ लॉ में, वरना ये स्ट्रेट अवे इस वीडियो को लेके जाते अदालत में, अदालत में आज तक नहीं लेके गए उस वीडियो को। हबीब साहब, मियां साहब को बाहर निकलवा लेते। मैं आज आपकी बातों से ये समझूं कि PTI बिल्कुल अनकंसर्नड है, PTI को कोई परेशानी नहीं है, PTI को कोई तशवीश नहीं है। देखे, गुजारिश ये है कि हम समेत हर पाकिस्तानी का, पाकिस्तान की आवाम का ये कंसर्न है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिनकी बाहर जायदादें हैं, जिनके बच्चे नाबालिग थे, उन्होंने अरबों डॉलर की जायदादें खरीद ली, वो आज अब हुकूमत में रहे हैं 40 साल, 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे अगर पहली बार इस मुल्क के अंदर वो जजेस में उनको सलाम पेश करता हूँ जिनको धौंस से, धांधली से, तलाल चौधरियों से, निहाल हाशमियों की धमकियों में नहीं हुआ है, नुकते पे उन्होंने अपराइट फैसले दिए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। शहजादा फातिमा ख्वाजा साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज जो स्कैंडल आपकी पार्टी ने दिखाया, जो वीडियोस दिखाए, उसका सलूशन अदलिया ही ने दिया। ऑनरेबल कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत लिखा बाकायदा, और फिर लॉ मिनिस्ट्री ने जज अरशद मलिक को हटा दिया। ये अदलिया तो अच्छे काम कर रही है, फिर सब कामों की तारीफ किया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फारूक साहब की स्पीच को तो मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये इन्होंने वही स्पीचेस रटी हुई हैं, वही पुरानी बातें लेके आते हैं ये आगे। जो तो इन्होंने जस्टिस कयूम वाली बात की, उसका डिसीजन क्वाश हुआ था, अगर आपने कंपेयर करना है तो फिर ये भी करें। जो जहाँ तक वीडियो प्रेपरेशन की बात हुई, देखिए ये गवर्नमेंट में है इस वक्त, जो वीडियो है वो सामने रखी गई है, सबको दी भी गई है, और हमने तो ऑफर की ये भी किया है कि इसका हम, आपने जहाँ से कराना है फोरेंसिक कराएंगे। अब जब ये वीडियो कोर्ट जो है वो केस के सामने रख रहा है तो हम लेके भी उधर भी जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो केस है इसकी हेयरिंग 3rd week of September में ड्यू है, उससे पहले अगर कंटिन्यूटी जो चल रही है केस की उसके बीच में ये वीडियो लेके जाना, हम सारी लीगल ऑप्शंस हमने की थी, हमारी लीगल टीम जो है वे की थी, और हमारी लीगल टीम जो है वो हमें कंटिन्यूसली एडवाइस कर रही है, और जैसे जैसे वो कहेंगे हम उसके मुताबिक वो काम करते भी जाएंगे। डेफिनेटली वीडियो कोर्ट में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, इनको जल्दी क्या है। तो बात यह है कि फिर ये बार बार NRO की बात करते हैं, इनके लीडर साहब भी NRO की बात करते हैं, जब हम इनसे पूछते हैं कि आप कोई नाम दे दें कि आपको किसने आके NRO, कोई कहता है हमें 6 बंदों ने अप्रोच किया, कोई कहता है 7 बंदों ने, नाम ये जरा सुनिए, जरा सुनिए, सुनिए जरा सुनिए। अच्छा, फिर इन्होंने कहा, आई एम कमिंग टू योर वो पॉइंट। 40 साल की हुकूमत की ये बात करते हैं, ये हिस्ट्री से बिल्कुल ना वाकिफ है। ये अगर हिस्ट्री उठा के देख लें कि गवर्नमेंट्स कब कब कितनी कितनी देर रही तो इनको अंदाजा हो जाएगा, हमेशा गलत बात करते हैं, कौम को झुटलाते रहे हैं पिछले 5-10 सालों में। अब आ जाएं कोर्ट केस के ऊपर। आज देखें, हमने जो भी बात की थी हमने उसका वीडियो एज एविडेंस प्रोवाइड किया है, जज साहब का एफिडेविट आया है इनके ऊपर। आई थिंक मेरा क्वेश्चन सुन लें इस सिलसिले में, इसी आज के डेवलपमेंट्स के। अब मैं सिंपली इस सेगमेंट में ये जानना चाहता हूँ, जैसे ही आज फैसला आया आपकी तरफ से, मीन आपकी पार्टी की तरफ से, आपके प्रेसिडेंट की तरफ से, आपकी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, फौरन मुतालबा आ गया कि मियां नवाज शरीफ को रिहा किया जाए। एक अदालती मामला है, अदालती अमल है, हाई कोर्ट में आप खुद फरमा रही हैं 3 सितंबर में ये हेयरिंग होनी है, तो बजाय इसके वेट किया जाए ना, वेट किया जाए हाई कोर्ट की। बात ही नहीं है, बात ये है, देखिए राजा साहब, बात ये है कि एक जज के बारे में वीडियो आई है कि वो मुतनाज़े हैं, उसमें वो खुद नजर आते हैं, हम एविडेंस सामने लेके आए हैं, ठीक है, जज साहब का आया है एफिडेविट,
और काबिले एहतराम है सारी जुडिशरी हमारे लिए, मगर फिर अब इनको ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि इनको इतने मिलियन डॉलर मिला नहीं मिला, इन इसमें बहुत ज्यादा अब ऐसी चीजें हैं जिसका तयन करना पड़ेगा। मगर बॉटम लाइन ये है आज कि जज साहब जो हैं वो नासिर भट्ट साहब को मिले, बार बार मिले, और हमारे हक में जो प्रूफ था हमने वो प्रेजेंट भी कर दिया हुआ है। अब उसको उसके ऊपर मजीद मोहर लगाने के लिए आज कोर्ट ने जज साहब को उनके जो पोजीशन है उससे फारिग भी कर दिया है। इससे दिस इज एसेंशियली एन एडमिटेंस टू व्हाट वी हैव सेड। अब बात यह है कि अगर एक जज को कोर्ट खुद कह रही है कि वो मिसकंडक्ट आपने उनको हटाया है, तो फिर उनके जो किए गए फैसले हैं वो आप किस तरह उनको जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं? चले, अगर इसी, इसी नुक्ते पर रुकिए, किए गए फैसले ऑटोमेटिकली क्वाश हो, इसी नुक्ते पे रुकिएगा, इसी नुक्ते पे ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, यही सवाल आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे आगे इस नुक्ते के साथ कि माजी की क्या नज़ीरें रही हैं हमारी अदालती रवायात में, अदालती तारीख में, कि इस तरह का जब केस इरप्ट हुआ तो उसमें आउटकम क्या था, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद व्यूज़ प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरशद मलिक जज साहब को हटाए जाने के हवाले से, जो मुस्लिम लीग नून का मुतालबा आया है कि चूँकि एक जज मिसकंडक्ट में बाहर निकाला गया है तो उसके फैसले भी नल एंड वॉइड तस्वर किए जाएं और उसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को रिहा किया जाए। जी फरुख हबीब साहब, मसला ये है कि जो भी ये बात कर रही थी, इनका एक बहुत बड़ा इशू है, इनको चीज़ों की फैसलों की जो है ना समझ हमेशा मिठाई खाने के बाद आती है। आपके इलम में होगा जब GIT बनाने का हुक्म दिया था उस वक्त भी मिठाई खा के ये भंगड़े डाल रहे थे। आज तो अब भी सुन लेना, नहीं नहीं सुन ले, अब भी ये विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि एक जज साहब की वीडियो सामने आ गई, ठीक है, मैं अभी भी उसे मुबीना वीडियो ही कहूँगा, जब तक उसका फॉरेंसिक नहीं होता तमाम तरह हकायक सामने नहीं आते। एक जज साहब का अपना व्यू है, एक वीडियो पे अगर जज को हटा दिया जाता है, देखिए ना, ये तो काम अदालत करती, ये करती लॉ मिनिस्ट्री, उसी वीडियो की बुनियाद पर जज को हटा दिया, उसे कहा गया घर जाएं। सुन ले, देखें, जज को काम करने से रोक दिया गया, यही मुतालबा हमारा भी था, ठीक है, कि इसकी जो है वो तहकीकात हो, क्योंकि मामला अदलिया पर अटैक आ रहा था। अब अदलिया, पूरी अदलिया तो जो है इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, अब वो उसके ऊपर इसके लीगल पहलुओं को देखना है, केस रिमांड होना है नहीं होना, ये इसको किस तरीके से जो है वो अदलिया को डिक्टेट तो नहीं कर सकते, इदारों को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, जस्टिस को, अदालतों को इसके ऊपर फैसला करने दें। आप ये नहीं कह सकते कि आप कहें जनाब मियां साहब को जनाब रिहा कर दें, आज जनाब जज फारिग हो गया तो फैसला फारिग हो गया। कोर्ट्स ने फैसले करने हैं, कोर्ट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिन कोर्ट्स ने जज को काम करने से रोका है, मैं फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कहा उसको कि मिसकंडक्ट पे फारिग हो गए हो, फलानी चीज़ पे फारिग हो गए हो, इन चीज़ों का अभी फैसला कोर्ट ने करना है, उनको करने दे। हो सकता है कि मिसकंडक्ट आपके पार्ट में भी निकल आए, आपका भी जो आपने काम किया है वो कोई आपने कानून के मुताबिक तो काम नहीं किया, इसके अंदर आप एक जज को रायवंड लेके चले जाते हैं, एक जमानत के दौरान मियां नवाज शरीफ से जमानत के दौरान जज को मिलवाते हैं और जज को बुला के धमकियां देते हैं कि फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक की तरह मीडिया में ना ट्रायल चलाए, प्रूफ पे बात करें। मैं तो बात कर रहा हूँ जो जज का एफिडेविट है, मैं तो जज के एफिडेविट का हवाला दे रहा हूँ, आप भी एक मुलाकात का हवाला देती हैं, वीडियो का हवाला देती हैं, मैं जज के एफिडेविट का हवाला दे रहा हूँ, मुझे आप हवाला देने से तो नहीं रोक सकती। नहीं फरक हबीब साहब, इसमें सवाल ये है कि अगर जज की क्रेडिबिलिटी अभी भी आपकी नज़र में मौजूद है, उसके एफिडेविट की क्रेडिबिलिटी मौजूद, तो गवर्नमेंट नहीं हटाती ना उसको, ये गवर्नमेंट का हटाने का मामला नहीं है, जो अदालत का हुक्म होगा गवर्नमेंट ने तो उसको मानना है, इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हुक्मरानी है ना, अगर अदालत एक डायरेक्शन जारी करती है कि इनको हटा दें, काम करने से रोक दिया गया, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम किया उन्होंने ताकि इंस्टीट्यूशन को मलाइन ना किया जा सके। किसी को जब हटाया जाता है, फर्क हबीब, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को मलाइन करने की कोशिश की, किसी को हटाया जाता है तो सजा होती है ना, वो कि हट जाओ यार, तुम्हें सजा दी जा रही है। बात सुन ले, मामला ये है, एक वीडियो सामने आती है जिसमें PMLN के नासिर भट्ट मौजूद हैं, अल्टीमेटली जाहिरी बात है एक सवाल तो पूछा जाएगा भाई कि आप PMLN के
जो एक वर्कर हैं, आप उन्हीं का केस सुन रहे हैं, उनके साथ आप मामलात को किस तरह डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ आप जो है वो उनके साथ आप रायमंड किस अंदाज से जा रहे हैं, ये तमाम सवाल तो पूछना जी आप बोलिए। देखिए सवाल ये है कि ये जितने भी सवाल उठा रहे हैं ये सवाल वंस अगेन जज की क्रेडिबिलिटी पे ही उठा रहे हैं कि आपका अगर दोस्त भी था, आपका दोस्त अगर पीएमएलएन का वर्कर था तो फिर आप उसके साथ क्यों बैठे, आप उसके साथ अगर कहीं गए तो फिर आप क्यों गए, आप ना जाते। और सर इसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपने दौरान हेयरिंग ये बात रिपोर्ट क्यों नहीं की कि पीएमएलएन आपको अप्रोच कर रही है, आपकी वीडियोज बाहर आई आपको तब याद आया। देखिए ये बहुत इस तरह की बातें जो हैं ये बहुत अनक्लियर हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जज साहब को फिलहाल अच्छा काम करने से रोका है। अच्छा मेरा इनसे सवाल ये है, हम भी यही कह रहे हैं अच्छा डिसीजन किया है। एक तो नहीं अब आप सुनिए, इस डिसीजन तक रहे ना, आप कह रहे हैं कि मियां साहब को आज जो है ना हार पहना के बग्गी में राइवेट छोड़ा है, ये तो नहीं होगा। आप कहते हैं कि हमें फैसले लेट समझ आते हैं, खान साहब पहले सिलेक्टेड पे तालियां बजाते हैं और फिर सिलेक्टेड को असेंबली में बैन करवाते हैं, समझ आपको लेट आती है। आप एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी सिलेक्टेड से आप एक तरफ अकाउंटेबिलिटी जेल में जाता है तो गवर्नमेंट ने जेल में भेज दिया, ज़ियाउल हक लिखा हुआ है वहां पर, जेल में जाता है तो गवर्नमेंट ने जेल में भेज दिया और अब इस तरह का मामला होता है तो अपने आप को आप झूठ बोलने बंद करें। पॉइंट वेल टेकन शेख साहब। लेकिन सर सवाल जी प्लीज, पहले तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी कर लें कि बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, मैं राय साहब से भी उस पर मैंने डिस्कस किया, बार बार सवाल जिक्र हो रहा है जज फारिग हो गया, जज फारिग हो गया, जज कितने फारिग हो गया, जज तो एक सेशन जज जिसकी ड्यूटी लगी थी एहतसाब कोर्ट में, ठीक है, उसकी इट्स सॉर्ट ऑफ डेप्यूटेशन, क्यों नहीं राय साहब, सो उनको कहा गया कि जी हम तुसी वापस चले जाओ लाहौर हाईकोर्ट और आपकी सर्विसेज एज एहतसाब जज जो है, एज एहतसाब जज हमें नहीं चाहिए, बट ही स्टिल सेशन जज, ठीक है, नंबर एक। उनको उनकी जो बीइंग अ जज उनको उस कुर्सी से फारिग नहीं किया गया, सिर्फ उनकी सर्विसेज वापस की गई। अच्छा तो इसलिए ये लफ्ज़, और मुझे पता है बाकी चैनल्स पे भी लोग यही समझ और फारिग, अगर आप फरोग नसीम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे हैं तो उसमें भी लफ्ज़ है कि वापस जो है कर दिया गया, सो दैट मीन्स कि वापस किया गया है, ये अभी सजा नहीं है, जज के ऊपर एक लगा इल्ज़ाम, अब वो वापस चलेंगे लाहौर हाई कोर्ट। अब जो हाई कोर्ट के जो चीफ हैं, अब अगर कोई सजा या जजा का कोई तायुन करना है, दोबारा वो जज बनाएंगे लगाएंगे कहीं, वो जज है ना, यानी अभी तक तो ही इज अ जज, फिर इधर से क्यों हटाया गया। देखिए ये एक चले मैं फारिग नहीं, मैं हटा कर लफ्ज़ कह देता हूं, आप इल्जाम लग गया ना जी, आप इस आप टीवी में है, आप पे एक चीज पे इल्जाम लग जाता है, आपको आपका जो ओनर है या आपका जो को हेड ऑफ दी प्रोडक्शन है या जो भी है वो कहता है जी और तुसी इस कुर्सी तो चार दिन हट जाओ ना तुसी वापस अपने कुर्सी पे आ जाओ, तौर पे पीछे कीता जाएगा, देन इन दोस टाइम्स दे विल इन्वेस्टिगेट के क्या हुआ। एक 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 सवाल राजा साहब, आइए आप इस पे एक सवाल जो शेजा, दूसरा एक और चीज मैं ऐड कर दूं फिर राजा साहब, आप इसको जरूर क्लियर करें क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका। दूसरी बात जो है वो मेरिट वाली जो की फरोग नसीम ने कि जज साहब ने मेरिट के ऊपर फैसला किया और जज साहब के बारे में ही कहा ना, तो अगर मेरिट के ऊपर जज साहब ने फैसला किया तो फिर हुकूमत फिर अपील में क्यों गई जज साहब के फैसले के खिलाफ, नंबर एक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरोग नसीम ने भी सुर कोई नहीं पैंदी कि टीवी ते की कह रहे हैं, पता नहीं केड़े क्रेडेंशियल्स ने जिदी वजह तुहानू वजीर बना छड़िया ने। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मरियम साहिबा पे भी है, अब अगर वो कॉन्ट्रोवर्शियल है उस केस में जहाँ उन्होंने उनके वालिद को सजा दे दी है, तो जहाँ उनके वालिद को छोड़ दिया है उस केस में मोहतरमा का उनके हवाले से स्कैंडल में ये बात थी ना, वो कह रहा है कि जी एक में छोड़ रहा हूं, एक में सजा दे रहा हूं, बैलेंस कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि राय साहब की मैं बात को एंडोर्स करता हूं कि ये देखे ना, एक जज अगर वो बड़ा क्लीन है तो वो आपसे सीरीज ऑफ मीटिंग्स नहीं करेगा, सीरीज ऑफ, सो देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज हिडन। एक और चीज, एक और सवाल राजा साहब, एक और नुक्ता उस पर भी ये रोशनी डाल देंगे, वो नुक्ता ये है कि चेमगोइयां है शहर में,
ये वो जो दूसरी वीडियो है जिसका मरियम बीबी जिक्र करती हैं, एहतराम है मरियम बीबी का बहुत सारा, और वो जिक्र करती हैं कि एक दूसरी भी वीडियो है, चैम गोइयाँ हैं कि उसमें शायद कोई हायर जुडिशरी के जजेस के कोई नाम शाम है। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ये अब हायर जुडिशरी के नाम की अगली वीडियो और फिर मियां साहब के बाहर आने की डिमांड। मैंने इंट्रो में यही कहा था कि एक पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त होंगी। राज साहब, बात यह है, जो सवाल वैलिड है, जज साहब इम्पार्शल थे, जज साहब सही थे, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब नहीं हुए, बार बार मिलते क्यों रहे? वो जो शहजा फातमा ख्वाजा साहिबा बात कर रही हैं बार बार। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा मैं यही सवाल आपसे पुट करूँगा। ना देवेदास, वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद व्यूज़ प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मैं मेहमान का तारफ़ भी करा देता हूं, मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त मलिक जावेद वैंस साहब ने, सीनियर एडवोकेट हैं और स्पेशली नैब केसेस को फॉलो भी करते हैं। हमने ये ज़रूरी समझा कि चूंकि ये सारे नैब के केसेस हैं, इनको भी जो ओपिनियन हम ले सकते हैं उनकी ले लें। राज साहब, आप पे सवाल छोड़ा था। असल में आप एक चीज़ मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो जज साहब हैं इन्हें इस जगह से हटाया क्यों गया है। जज साहब के वीडियो की वजह से नहीं हटाया गया, उनके अपनी जो पहले प्रेस रिलीज़ आई और आज जो एफिडेविट दिया उसमें उन्होंने एडमिट किया कि मैं ये कर रहा था, मैं जा रहा था, मैं उनसे। यही वीडियो स्कैंडल है ना राय साहब। देखिए वीडियो को एक मिनट छोड़ दें, वीडियो में इतना क्लैरिटी, वीडियो को छोड़ दें, जो उनका एडमिशन है, ठीक है, जब आप एडमिट कर लेते हैं तो ये जज साहब, बहुत बड़े मेगा करप्शन केसेस भी इनके पास है, जिसमें जरदारी साहब का केस है, फरियाल तारपुर साहिबा का। तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है इस्लामाबाद की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये समझा कि किसी ऐसे शख्स को ये केसेस चलाने का अख्तियार नहीं देना चाहिए जिसका कंडक्ट ये है। नाउ ही हैज़ बीन रेफर्ड बैक टू हिज प्रिंसिपल पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई ऑटोमेटिक होगी या दरख्वास्त कोई देगा? ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस की यह है कि जब एक उनके ऑफिसर को वापस भेजा गया, एक उनके ऑफिसर के खिलाफ इतना कुछ आ गया, तो ही इज बाउंड टू टेक एक्शन, क्योंकि एक छोटे से मोबाइल पे तो एक जज के टेबल पे था, हो सकता है। What if he doesn't? If he doesn't, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट आ गई है ना कल गुज़श्ता रोज़ा नहीं। लेकिन ये बताइए, जब आप खुद फरमा रहे हैं कि उनकी एडमिशन मीन एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर उनको हटाया गया है, तो सजा है ना यह राजा साहब? चलें आप इसको जो मर्जी कह लें, ये तो कोई आर्ग्यू करने की चीज़ नहीं है, सजा कह लें, जजा कह लें, जजा मिल गई होगी, ये सजा भी आप भुगत लेंगे। मैं साहब, ठीक है, राज साहब की आपने बात सुनी, राज साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर हाई प्रोफाइल केस भी इधर हैं, आप तो खुद अपीयर होते हैं, कितने टोटल केसेस थे पीपल्स पार्टी की क़यादत खिलाफ जो अरशद मलिक साहब सुन रहे थे, और अब उनका क्या होगा? मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 केसेस थे पीपल्स पार्टी के, जो इस वक्त मुख्तलिफ लीडरान के उनके पास ज़ेर समात थे, अरशद मलिक साहब के पास। डेफिनेटली अब वो नहीं रहे, तो उनकी जगह जो एडमन जज हैं बशीर मलिक साहब, वो उन केसों को समाप्त करेंगे। जजों के आने जाने से मैटर नहीं करती चीज़ें, जैसे राय साहब कह रहे थे, वो तो डेपुटेशन पे आए थे, चले गए, अब उनका पेरेंट डिपार्टमेंट उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो करेगा, लेकिन जो एफिडेविट में नई चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, ये डेफिनेटली बड़ा। मसलन क्या आप समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? डिस्क्लोज तो फिर शरीफ फैमिली के खिलाफ भी आई हैं। हाँ, उनके खिलाफ ये फैटल होगा एफिडेविट जो है, जो यकीनन इसी नुक्ता नज़र से ही जाय साहब ने उनमें तमाम चीज़ें जो इजहार की हैं, ये तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब कह रहे थे कि वो शरीफ फैमिली से मिला हुआ है, आप कहते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ वो नहीं, आज का एफिडेविट उसने जो है वो शरीफ फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दिया है, ठीक है, वो तो उनका उसका तो कन्फेशन आ गया अपनी हद तक, तो वो अच्छा अच्छा ये बताएं, आप दोनों लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मैं पॉलिटिकल बात फिर पॉलिटिशियन के साथ करता हूं, आप दोनों लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपसे वैन साहब, जो फैसले उन्होंने कर दिए या माजी में कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, नज़ीरें हैं, अगर कोई जज डिस्प्यूटेड हुआ है तो उसने माजी में जो फैसले किए थे उनकी लीगैलिटी क्या, कानूनी हैसियत पे फ़र्क पड़ता है, ऑटोमेटिकली रोल बैक होते हैं? जस्टिस कयूम वाले फैसलों की एक पैरेलल एग्जांपल दी जाती है। देखिए भाई साहब, ये जो दो फैसले हैं ये तो एडमिटेडली इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रह गई, इन दोनों फैसलों की, इक्विटल वाली भी और रोला ही मुक गया ना, इनकी तो जीरो इस वक्त लीगल वैल्यू है, बाकी जो केसेस हैं वो केस सुने सुने, सुने एक मिनट, मैं मेरे जैसे लेमैन जो लॉ नहीं जानते उनके समझने के लिए,
जज अरशद मलिक का मिसकंडक्ट, जो उसने कन्फेशन की जैसे राज साहब फरमा रहे थे, उनके हटाए जाने के बाद, चले फारिग की बात मैं नहीं करता, नवाज शरीफ के फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही? नहीं, इस वक्त उसके जो भी फैसले नवाज शरीफ के मुतालिक हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं। वो कैसे आप कहते हैं हाई कोर्ट में राज साहब ने बड़ा अच्छा आपको मैं मलिक कयूम और इस केस का डिफरेंस बता दूं। मलिक कयूम के केस में मलिक कयूम खुद जज था और मियां शहबाज और सैफ रहमान उनको कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 नहीं 7 साल सजा दे। वो कह रहे हैं कल मैं अनाउंस करूंगा एंड ही वुड डू इट। बट हियर अगर तो कोई ऐसी वीडियो आती है कि जिसमें जज साहब को कोई ऑफिसर है, कोई सीनियर जज है, ये फोन कर रहा है कि तुमने ऐसे करना है, तब तो ये चीज होगी। लेकिन अगर जज सिर्फ खुद से कहता रहे, कल को कोई भी जज कह देगा कि जनाब इस केस में मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुमकिन है वो जो वीडियो जज साहब की आ रही है गैर अखलाकी, ये इसी बट ने दिखाई हो जज को और जज से ये करवा लिया। ये जो कह रहे हैं कि फैसलों की कोई हैसियत नहीं रह गई, ये जो कह रहे हैं आपके सामने, देखिए ये जुडिशियल ऑर्डर है राइट, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिटरमिन करेगा। उसके पास दोनों ऑप्शंस है, या तो रिमांड होगा क्योंकि ये केस चला मेजॉरिटी जज दूसरे के पास था, ये सिर्फ एंड में इधर ट्रांसफर होके आया था। तो इन्होंने दिया ना, अब फैसला या तो सेट असाइड होके री राइटिंग ऑफ जजमेंट हो सकती है या फिर दोबारा नहीं हो सकता, ट्रायल नहीं होगा, या फिर ये होगा कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इनको पता है वही इख्तियार है। फिर तो बात शहदा फातिमा साहिबा की ठीक है ना, डेंट पड़ गया ना फैसले पे, अगर री राइट हो जाए जज साहब का मकसद ही ये था, हो जाए जज साहब का मकसद ही ये था कि डेंट पड़े किसी तरीके से, मोर फैटल ना हो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोर फैटल ना हो जाए, इक्विटल भी तो इनको मिली हुई थी ना। शहदा फातिमा साहिबा ये तो फिर दो धारी तलवार हो गई ना, जिसमें फ्लैगशिप में जहाँ जिसमें मियाँ साहब नायल हुए थे, फ्लैगशिप केस को इसी अदालत ने कहा था कि उसमें मियाँ साहब बरी हो चुके हैं, ये 7 साल की सजा थी, अगर रिवर्सल होती है अदरवाइज होता है फिर तो और मसला बन सकता है ना आपकी पार्टी के लिए, आपकी क्यादत के लिए। रिवर्सल और मसले की बात नहीं है, वो तो जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे कि फिर उनकी क्या जजमेंट्स आती हैं, आया ये खाली जजमेंट रीराइट होती है, रीट्रायल होता है, इस पर क्या फैसला कोर्ट करती है वो हम देखेंगे। अभी तो हम इस वीडियो को एज अपना एविडेंस भी प्रेजेंट करेंगे जब भी हेयरिंग होती है इस केस से रिलेटेड, जब दोबारा तो हाई कोर्ट ने खुद मंगवा ली ना कंटेंट, उन्होंने वीडियो भी मंगवा ली। जी जी बिल्कुल, तो देखें ये इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, आया रीट्रायल, मैं अगेन आई वुड से दैट मैं कोई मायरे कानून नहीं हूँ तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता कि क्या क्या होगा, बट बात इस वक्त देखें हम आगे एक प्रिडिक्ट करने की बजाय जो सिचुएशन एट हैंड ये है कि एक जज साहब थे जो कि बार बार मिले, मैं अपनी बात को एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन करूंगी कि बार बार जो है अगर वो एक पॉलिटिकल वर्कर से मिल रहे हैं, अगर वो चाहे वो इधर से प्रेशराइज हो रहे हैं, उधर से प्रेशराइज हो रहे हैं, वो प्रेशराइज हो रहे हैं, उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि उनको जो है यहाँ से ब्राइब्स हुए, उनको जबरदस्ती लेके गया। वो तो कह रहे हैं कि मैं रायवंड भी गया हूँ, वो कह रहे हैं मैं रायवंड भी गया हूँ, मैं नवाज शरीफ से भी मिला हूँ, हुसैन से। सर देखिए ये चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि ये चीजें अंडर ड्यूरेस हमने उनसे करवाई, उनको प्रेशराइज करके करवाई, अगर ब्लैकमेल किया तो उसका उनके पास क्या प्रूफ है, हम तो एक वीडियो सामने लाए हैं, वो भी चीजें सामने लानी पड़ेंगी। अब देखिए उसके बाद अब बात ये है कि फिलहाल जहां पे हम खड़े हैं वहां पे इस वक्त उनको वापस लाहौर भेज दिया गया है, जहां पे भी वो सेशन जज हैं उनके हवाले कर दिया गया है, उनको अपनी करंट ड्यूटी से उन्होंने एक्सक्यूज करवा दिया है, और जिन केसेस पे उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, और उस सवालिया निशान की वजह से वो जो वर्डिक्ट्स हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं। इसी नुक्ते पे रुकिएगा, इधर भी सीनियर लॉयर्स हैं यही बात कर रहे हैं, शेख साहब वो किस तरह से पॉसिबल है एक जज जो इतने हाई प्रोफाइल केस सुन रहा है वो मियाँ साहब से भी मिल रहे हैं जाकर रायवंड में, और स्पेशली जैसे वैंस साहब बता रहे हैं कि जब मियाँ साहब को 6 हफ्ते की बेल मिली थी। सियासी सवाल क्या है? सर एक एक चीज सियासी सवाल ये है, सियासी सवाल ये है, लास्ट पॉइंट सुन लेते हैं। जी जी क्योंकि इस पे लीगल ओपिनियन मैं खुद भी चाहूंगी कि सर अगर उन्होंने ड्यूरिंग द केस हियरिंग के दौरान अगर वो हमारे से प्रेशराइज हो रहे या कहीं से भी प्रेशराइज हो रहे तो उन्होंने अगर उसको रिपोर्ट नहीं किया
और बिल्कुल ये सवाल आते हैं, तो फिर आज उनके एफिडेविट की या उनके वर्ड की क्या वैल्यू रह जाती है? इसी नुक्ते पर रहेगा, रुकिए इधर 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 ही रुकिएगा, ये वैलिड पॉइंट है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी शेख साहब, देखें वो तो जैसे राय साहब भी कह रहे हैं कि अगर इस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है और ये इसका अभी तयन नहीं हुआ कि अंडर ड्यूरेस थे या नहीं थे, तो फिर उस वीडियो की क्या हैसियत है कि वो अंडर ड्यूरेस थे फ्रॉम द अदर पार्टी और फ्रॉम दिस पार्टी? ये तो फिर बाद में तहकीक और तफ्तीश होगी, जब होगी तब देखेंगे। नंबर एक, सियासी बात जो है ना हमारे लिए क्या है, वो ये नहीं है जज के साथ क्या हुआ, जज का इन लोगों को मिलना सवाल एक ही है, ठीक है ना? हाँ सुने सुने, जज का इन लोगों को मिलना इट वॉज अनबिकमिंग ऑफ अ जज, ठीक हो गया? yes. एक नहीं चार बंदे नु मिले, सऊदी अरब में भी मिले, रायबंद में भी मिले, ये फैसला होता रहेगा ये गलत था, तो चलें एक फैसला हो गया, उनको रिलीव किया गया उस ड्यूटी से, नाउ ही इज अगेन बैक टू लाहौर हाईकोर्ट। सवाल ये है कि हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी सारी पार्टी की क्यादत को बिठा के जो बाहर है, ये इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, आउट ऑफ एक्साइटमेंट की, वो कौन सा सेंटिमेंट था जिसने इनको इस काम पे मजबूर? देखे ना, अगर यही हो सकता है, मेरी गलत सुन लो, जज डिस्प्यूटेड, मेरी गलत सुन लो, एक मिनट जी, मेरी बहन एक मिनट जी, बात ये है कि अगर नासिर भट्ट साहब मिल रहे थे जज साहब को, तो क्या मरियम बीबी के नॉलेज और उसकी परमिशन के बगैर मिल रहा था वो? नहीं, ऐसे नहीं होता। हम सारे पॉलिटिशियंस हैं, हम जानते हैं जब खानदान में कोई बंदा अंदर हो तो फिर उसको बाहर निकालने के लिए आपके कौन से बंदे किस किस रास्ते में होते हैं? मेरा तो सवाल शेख साहब ये बेनिफिशियरी कौन है? मेरा सवाल ये बेनिफिशियरी कौन है? मेरा सवाल ये था, एक जज इतने हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहा है, वो आ रहा है सऊदी अरब में भी मिल रहा है, रायवंड भी जा रहा है, सर जज का इशू नहीं रह गया प्राजा साहब, मेरी गल मान लो। सवाल एक जज तो पहुंच गया जितने उन्हें पहुंचना था। सवाल एक कोई सवाल ही नहीं है, सवाल एक कोई सर, वो सीन सारा क्लियर है, वो तो अब जुडिशरी अपने जज का खुद कर लेगी जो उन्होंने करना होगा, क्योंकि उनकी इज्जत भी एट स्टेक है। सवाल 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 वही है, वो कह रही है जजमेंट का क्या होगा, क्या सिर्फ ये केस दोनों ट्रायल खत्म हो गए हैं, ये क्या जीरो से स्टार्ट होगा लेके आए हैं, या फिर वही बयानियां जो ये अदारों को जो मर्जी बातें करते रहे, जो डिबेट मर्जी करे, ट्रायल दोबारा होगा? एक मिनट देखें, यहाँ पे राय साहब ने कहा ट्रायल नहीं हो सकता, वैस साहब कह रहे हैं ट्रायल दोबारा हो सकता है, उनकी हैसियत क्या है कानूनन इस वक्त, उन जजमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है, तो खत्म हो गई ना जजमेंट। हम ये कह रहे हैं आगे बाहर इसका तयन करना है, वो हायर कोर्ट्स बैठी है, वो जो फैसला नहीं, हम देखेंगे उसको। नहीं, सवाल तो शेख साहब फिर जो हमने शुरू किया, अगर उस जजमेंट के पल्ले कुछ नहीं रह गया तो मियां नवाज़ी कम से कम उस केस में तो नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया, एक चीज और, अभी शुक्रिया ना शेख साहब, नहीं अभी शुक्रिया ना करें, मगर मैं आपको ये बता दूं कि मरियम बीबी ने पूरी नून लीग को सिर्फ अपना एक नैरेटिव बयानिया और लोगों में ये तय करने के लिए कि अवाम के सामने जुडिशरी नीचे आ जाए, ये कोशिश तो की है, मगर इसमें इन्होंने नून लीग को एक और बड़ी मुसीबत में डाल दिया, मियां नवाज शरीफ के लिए मसाइल पैदा कर दिए। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए, राय साहब बहुत शुक्रिया, वैन साहब बहुत शुक्रिया, शेजा ख्वाजा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, फ़र्क आपका भी नाज़रीन हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहस चलती रहेगी, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।